ଦେଶରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଚାଷକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁରୂପ ଉତ୍ପାଦନର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ। ପ୍ରାକୃତିକ ଫସଲର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡିରେ ଖୋଲିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟୋର। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଚାଷର ଭଲ ପରିଣାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରାକୃତିକ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଭଲ ପରିଣାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମେ ଲୋକେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଚାଷକୁ ନେଇ ସନ୍ଦିହାନ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ନେଇ ସଚେତନତା ବଢ଼ିଛି। ମଞ୍ଜିଠୁ ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ ହେଉଥିବା ଫସଲର ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱରୂପକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। जिन्होंने अपने स्तर पर उन राज्यों में उन क्षेत्रों में कार्य किया था, वहाँ की प्रकृति के द्वारा प्राकृतिक पद्धति से किए जाने वाली खेती के और उससे उत्पादन की उस दर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में जो पिछले 100-150 वर्षों के अंदर देश को बढ़ाया गया तो उसमें कितना अंतर है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं आपके सामने और मैं चाहूंगा कि हमें इतिहास के उन पन्नों को पलटना ही पड़ेगा, क्योंकि जब धरती वास्तविक प्राकृतिक रूप में थी और उसमें समय के अनुरूप खेती किसानी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया तो देश के अंदर बहुत सारे क्षेत्र इसके उदाहरण हैं जहां पर हरित क्रांति के पहले उत्पादन खेती की ज्यादा थी। इसके बाद कुछ समय के बाद ठहराव आने के बाद जब उन क्षेत्रों में हरित क्रांति के बाद आधुनिक फर्टिलाइजर केमिकल और पेस्टिसाइड का उपयोग होना प्रारंभ हुआ उस समय के लिए हमें उत्पादन बढ़ता हुआ दिखाई तो दिया, लेकिन आज उसके दुष्प्रभावों से हम इस जीव सृष्टि को बचा पाने में बहुत कठिनाई महसूस कर रहे हैं। प्राकृतिक उपाय अमल होता फसल केमिति उचित मूल्य मिल तथा यार प्रचार प्रसार केमिति से नहीं प्रयास से प्रत्येक मंडी में यार एक स्वतंत्र स्टोर कर। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ। କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ କୃଷକଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ 1,00,000 ଏକର ଜମିରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଚାଷର ଟାର୍ଗେଟ୍ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ମୁଝେ ଲଗତା ହେ କି ଆଜ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କେ ଅନ୍ଦର କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଖନେ ଲାୟକ ସ୍ଥିତି ମେ ବନ ଚୁକେ ହେ। 2017 କେ ପହେଲେ तो स्थिति वहां पे बड़ी अराजकता की सी थी, जंगल उगे हुए थे। आज हम देखते हैं हर कृषि विज्ञान केंद्र में कुछ न कुछ एक्टिविटीज शुरू हुई है। आज वे देखते हैं वहां पे कि वहां पर जैसे कुछ भी देखो तो वहां पे कुछ न कुछ किसानों का प्रशिक्षण कर रहे हैं, डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर के लिए और एग्रीकल्चर के लिए, वेजिटेबल के लिए या फिर अन्न श्री अन्न के लिए या फिर वेटनरी के लिए अच्छा गोवंश हो। मैंने देखा है आचार्य जी के यहाँ कुरुक्षेत्र गुरुकुल में जाकर के मैंने स्वयं देखा। जलवायु परिवर्तन को नहीं पूरा विश्व चिंतित। चाष कार्य रासायनिक सार प्रयोग जो उत्पादनता वृद्धि पाउछि, किंतु यहाँ खराब प्रभाव उभय परिवेश और मनुष्य उपरे पड़ुछि। कैंसर भली मारात्मक रोग में पड़ुछि मनुष्य, सेथिपाई प्राकृतिक उपाय रे हेतुबा फसल को गुरुत्व देबाकु आह्वान देछन्ति केन्द्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। आज पूरी दुनिया चिंतित है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण, पूरी दुनिया चिंतित है। आप जानते हैं, हम कई मित्र जानते हैं, उत्पादन खूब बढ़ रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन ये भी तो हो रहा है कि कैंसर एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें चल रही है। आज हम जो उगा रहे हैं, फल हो, सब्जियां हो, अन्न हो, क्या वो खाने के लायक बचता है? कई बार ऐसी घटनाएं सुनने मिलती है कि जो पैदा करते हैं वो कहते हैं कि हम नहीं खाएंगे इसको, इसलिए हमको सोचना पड़ेगा। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि आज हम विस्तार से मुख्यमंत्री जी को और आचार्य जी को सुनेंगे, लेकिन एक बात अब पूरी तरह से सिद्ध हो गई है
इस दिशा में अगर लगातार हम आगे बढ़ते रहे तो ये धरती आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक नहीं बचेगी। 2027 सुधा $1 trillion अर्थनीति हेबाकु लक्ष्य रखिछु उत्तर प्रदेश। एथिरे कृषि क्षेत्रर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहिछि। वैदिक कालरु भारतरे प्राकृतिक चाषर भारतर आर्थिक विकास आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतनाकु जागृत करिबारे बड़ योगदान रही आसिछि। वर्तमान यार आवश्यकता बढ़ुथिबारु आमकु मध्य एहा उपरे ध्यान केन्द्रित करिबार आवश्यकता रहिछि। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।